हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज मैं करवाने वाला हूँ एवरेजेस का चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चंस जो है इसमें से आ जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चैप्टर को अवॉइड करते हैं, नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है तो एवरेज ही तो है, दो दो जो वैल्यूज़ है उसका एवरेज हमें पता है, तीन का भी निकाल लेंगे, उसे डिवाइड ही तो करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इनडेप्थ क्वेश्चन तो नहीं करवाऊँगा, मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो मैं आज करवाऊंगा, ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस होंगे। एंड अगर आपने एवरेज का चैप्टर ढंग से अगर नहीं किया हुआ तो आप नोटिस करेंगे आज कि आज अगर जो मैंने 6 क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें से आप शायद 1 या 2 या 3 भी ना कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, ये सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबाएं, राइट, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं आप, और जीके डाइजेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ये ज़रूर इंस्टॉल कर लें, ये जीके के लिए आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी टीचर्स, जो 5 टीचर्स हम यहाँ पे काम करते हैं, आपके लिए सारा दिन जीके क्वांट रीजनिंग सारा मटेरियल बना के इस ऐप में डालते हैं और बैंक एग्जाम्स टुडे पे डालते हैं। एंड IBPS PO के लिए हमने पेन ड्राइव कोर्स एक ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, चाहे ये ले लें चाहे मेगा प्रेप कोर्स जो IBPS का, वो gkdigest.com पे दोनों अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एवरेज का बेसिक फंडा बता दूं। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक वैल्यू A है और एक वैल्यू B है, राइट, वैल्यू A है 20 और वैल्यू B है 30, इसका एवरेज बताइए। आप सिंपली क्या करते हैं, A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 और आपका जो है एवरेज वैल्यू दोनों का आ जाता है, राइट। एक और सिंपल फंडा बताता हूँ, मान लीजिए इसका जैसे एवरेज 25 था, आपको 25 दिया हुआ है और A की वैल्यू दी हुई है, तो आप B की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो इसके बेस्ड पे एक क्वेश्चन पहले करते हैं, आपको सिंपल सा क्वेश्चन करवाता हूँ। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 39.2, द एवरेज ऑफ 3 of these numbers इज 41, फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। अभी ध्यान से देखिए, जो 5 नंबर्स हैं, ये जो 5 नंबर्स हैं इसका एवरेज है 39.2। 5 नंबर्स का एवरेज जो मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था उसको ध्यान से देखिए, इसकी दोनों का टोटल जो है 20 + 30 = 50, और यहाँ पे 25 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाता है 50, राइट। तो इसको सेम वे में ध्यान दीजिए, 5 नंबर्स हैं, इनका एवरेज है 39.20। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 39.20 को, वही अप्रॉक्सीमेशन वाला फंडा याद कीजिए, 3920, इसका हाफ कितना होगा, 3920 का हाफ माइंड में कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, राइट। तो ये आपका निकल के आता है 196, राइट। ये आ गया जी आपका टोटल। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 of these numbers इज 41। अभी पहले 3 नंबर्स का एवरेज है जी 41, पहले 3 नंबर, ये टोटल 5 नंबर होगा, पहले 3 नंबरों का एवरेज जो है जी 41। अभी 41 से 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आता है 1, 2, 3, राइट, 4 से 12 और 3 123। अभी जो 2 नंबर बचते हैं, अगर मैं 196 में से 123 निकाल दूंगा तो मेरे पास बचते हैं जी कितने, 73। ये मेरे जो 2 नंबर अभी बचे हैं उसका टोटल है ये। अगर ये पूछ रहा है द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2, तो 73 / 2 निकाल लीजिए, 36.5 जो है आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कह लीजिए, लेकिन PO लेवल के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन PO लेवल में आ सकता है, देखने में छोटा लेकिन कई बार कन्फ्यूज करता है। What is the average of first 15 multiples of 3? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं PO लेवल में भी, ध्यान से देखिए। पहले जो पहली बात, एक चीज समझिए, पहले 15 मल्टीपल्स हैं 3 के, इसका मतलब क्या है, 3 के मल्टीपल्स यानी कि 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करते करते 15 से 45 तक, राइट, 45 तक ये नंबर है, इसका आपने एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एवरेज निकालने का, याद कीजिए एक सीरीज है उसका टोटल सम निकालने का फॉर्मूला आपने 7th 8th में कभी किया होगा, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने करा होगा, याद कीजिए 8th 9th में कभी किया होगा, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, n ओवर 2
टू ए प्लस एन माइनस वन द डी। ये अरिथमेटिक प्रॉब्लम, आप में से सभी स्टूडेंट्स ने ये फॉर्मूला रटा हुआ था और एट्थ और नाइन्थ का ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आप नाइन्थ एट्थ या टेंथ की बुक खोल के देख लें, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। एंड मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप में से 30-40% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए होंगे और ये वो ग्रेजुएट होंगे। तो ये देखिए अभी इसको करते हैं सॉल्व। एन क्या है जी, नंबर कितने, नंबर ऑफ वैल्यूज, ये 15 है, 15 मल्टीपल से 15 ओवर एन, 15 ओवर दो। टू ए, ए क्या था हमारा पहली वैल्यू, ये है जी हमारा ए, 3 जो है हमारा ए है। टू ए प्लस एन माइनस वन डी, डी का क्या मतलब है, इन वैल्यूज में डिफरेंस कितना है, 6 माइनस तीन तीन, 9 माइनस 6 तीन, राइट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 प्लस 14 = 42, ये कितना आ गया जी हमारा 15 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 48, इसको काट दीजिए आ गया अपना 24। तो अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, 15 मल्टीप्लाई बाय 24, ये जी अपना सम है पूरी प्रोग्रेशन का। क्या हमें सम चाहिए, नहीं, इसको चाहिए एवरेज। एवरेज कैसे करेंगे, ये जितने नंबर्स हैं, अगर 15 नंबर हैं तो उसको सम से डिवाइड करके, तो 15 नंबर थे तो 15 15 से कट जाएगा, तो 24 जो है ये आपका एवरेज आ जाएगा आंसर। हो सकता है सम पूछते तो शायद 90% 95% ऑफ द स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो सॉल्व कर लेते, लेकिन जब एवरेज आ जाता तो शायद दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है ही नहीं, किया ही नहीं यार, एवरेज का फॉर्मूला कहाँ गया। तो बस थोड़ा सा दिमाग को चलाइए, एक एक्स्ट्रा स्टेप आगे लेकर जाइए अपने दिमाग को। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 10, तो ये एक समझने वाली चीज है। 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर जैसे 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता ये कहां से शुरू हो रहा है। तो 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, इसको हम क्या मानेंगे, n पहला नंबर, फिर n प्लस 2, फिर n प्लस 4, फिर n प्लस 6, फिर n प्लस 8, फिर n प्लस 10, देख लीजिए, गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, 7 नंबर थे। तो ये इनका टोटल है, इनका एवरेज जो है जी, इसको डिवाइड करेंगे अगर हम 7 से, मुझे तो सीधी लाइन भी नहीं मारनी आती, हाँ, तो इसका एवरेज जो है वो आ जाएगा 10, राइट। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, बाकी कुछ करने से पहले 7n प्लस इसका टोटल निकाल लीजिए, 2 और 4 6 6 12 12 और 8 20 और 10 30 और 12 42 इज इक्वल टू 7 को इधर ले जाइए तो अपना आ गया जी 70, और 7n की क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 70 माइनस 42 जो है ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जी 28, और n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 28 ओवर 7 4। तो n की वैल्यू जो पहला नंबर था जी ये था 4। अब आगे पढ़िए, इफ द नेक्स्ट 3 इवन नंबर्स, और ये जो सातवां नंबर था इसका सातवां नंबर क्या था हमारा, सेवंथ नंबर था हमारा n, n हो गया हमारा 4 प्लस 12, ये हो गया हमारा 16, और तीन नंबर और ऐड हो गए इसमें, आठवां नौवां और दसवां नंबर भी आ चुका है, आर इंक्लूडेड, व्हाट इज द न्यू एवरेज। और आठवां नंबर क्या होगा, अभी आठवां नंबर हो जाएगा 16 प्लस 2 18, नौवां नंबर 18 प्लस 2 20, दसवां नंबर 20 प्लस 2 22। तो ये तीन नंबर हैं, अभी ये ऐड करे गए हैं। अभी दोबारा से देखिए एक बार, टोटल कितना हुआ था, इसका जो टोटल था वो कितना था, 10 नंबर थे पहले, 7 जो नंबर थे, 7 नंबर थे उसका एवरेज था 10, राइट। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका टोटल हो गया जी 70, पहले 7 नंबर का, 7 नंबर्स का। जो अगले तीन नंबर हैं इसका टोटल क्या हो गया जी, इसका टोटल लगाइए 60, देखिए ना 22 प्लस 20 प्लस 18 60 हो गया, तो ये इसका हो गया जी 60। तो 10 नंबर है, इसका टोटल हो गया जी 130, तो नया एवरेज क्या निकल के आएगा, 130 डिवाइडेड बाय 10 13, तो 13 जी हमारा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं कई बार, आपकी मिसकंसेप्शन है कि और डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और डिफिकल्ट, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं,
और स्टूडेंट जो है पेपर में यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, स्टूडेंट का यही ध्यान होता है कि मैं टाइम एंड वर्क करूं, मैं ये करूं, टाइम एंड डिस्टेंस करूं, डीआई के क्वेश्चन करूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन वो देख के एक बार कहता नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा मैं नहीं करूंगा थोड़ा और। ये तो भी पहला लेक्चर है, आने वाले लेक्चर्स में मैं थोड़े और कोशिश करूंगा कॉम्प्लिकेटेड अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊं। तीन पर्सन हैं, अनिल राम, ये पिछले पेपर में एक बार आया था, आई थिंक 2015 में ही आया था पीओ लेवल में। तीन लोग हैं, अनिल राम ऋषि, इनका सैलरी है 81,000, इनका 81,000 इनका सैलरी है, राइट। एंड दे स्पेंड 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर सैलरीज रिस्पेक्टिवली। और एक चीज का ध्यान रखिए, सैलरी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये तो आपको पता ही होगा ना। मान लीजिए आपकी 10,000 रुपये सैलरी है, उसमें से आप 8,000 खर्च कर देते हैं, 2,000 तो आपका सेविंग हो गया ना। तो ये समझिए, इफ द सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 8, 9 and 20, फाइंड द सैलरी ऑफ राम। अभी ये चीज ध्यान से देखिए एक बार, अनिल राम और ऋषि, इनकी जो सेविंग्स हैं, पहली बात ये 20% सेव करता है, अनिल जो है 20% जो है सेव करता है, मतलब 1/5 ऑफ हिज सैलरी ये सेव कर लेता है। दूसरा बंदा 15% सेव करता है, तो 3/20 सेव कर लेता है ये। तीसरा बंदा 25/100, इन शॉर्ट ये 1/4 जो है अपनी सैलरी का ये बंदा सेव कर लेता है, राइट। अभी एक चीज, इसकी सैलरी हम मान लेते हैं एक्स है, ए की अनिल की, राम की सैलरी वाई है, ऋषि की सैलरी जो है वो जी है, राइट। तो एक्स का 1/5 ये सेव कर लेता है, और ये वैल्यू इसकी हमें ऑलरेडी गिवन है, रेशियोज में चाहे गिवन है, पहले इतना ही निकालेंगे 8, 3/20 का वाई जो है ये अपना आ जाता है जी 9, 1/4 का जी है इट कम्स 20। अभी एक्स वाई और जेड की जो रेशियोज में वैल्यू है पहले वो निकालिए। और एक चीज का ध्यान रखिए, इन तीनों की जो सैलरीज है अलग अलग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे मिस्टेक करते हैं कि एक ही एक्स लेकर सॉल्व करते हैं, वैसा नहीं करना आपको। तो x की यहां पे वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी आगे 8, 5, 40, और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये 3 को 3 से काट लेंगे तो आ जाएगा 60 यहां पे, और z की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 80। अगर रेशियोज में मैं देखूं तो 2, 3, 4, तो ये हमारा रेशियो बनता है 2, 3, 4, मतलब अनिल राम एंड ऋषि। तो ये देखिए, ये मेरा अभी सैलरीज का रेशियो आ गया। क्या अभी डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है ना, अभी तो सिंपली क्या करना है, 4, 3, 7 और 2, 9, 3/9 मल्टीप्लाइड बाय 81। अभी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही बहुत सिंपल हो गया ना, ये तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 27,000 जो है ये आपकी राम की सैलरी है। आई अज्यूम कि 20-25% जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा इस पर डाउट होगा इस क्वेश्चन पे, मुझे लगता है थोड़ा सा यहां पे समझाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ये देखिए, यहां पे मिस्टर अनिल है, राम है और ऋषि है, राइट। ये 20% सेव करता है अनिल, राम जो है 15% सेव करता है, ऋषि 25% जो है अपनी सैलरी का सेव करता है। ये एक अनिल को पकड़ के देखते हैं पहले, अनिल जी ने अपना 20% जो है वो सेव कर लिया, 100 रुपए कमाए, 80 खर्च कर दिए, 20 बच गए, यही कहना चाहता है ना। 1/5 जो है इसने अपनी सैलरी का बचा लिया, 1/5 अपनी सैलरी का, 1/5 ऑफ हिज सैलरी, और हिज सैलरी को हमने एक्स पकड़ लिया हुआ है, 1/5 ऑफ एक्स, रेशियो हमें दिया हुआ है 1/5 ऑफ एक्स इज 8। ये जो रेशियो है तीनों के रिलेटिव दिया हुआ है ना, तो इसी हिसाब से हमने बाकी नंबर्स को भी सॉल्व किया है। एक्स वाई और जी का जो यहां पे हमें सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है, हमने सैलरीज का रेशियो निकालना था, तो इस तरह से हमने एक्स वाई जी की वैल्यू ली है और उसको सॉल्व किया। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा जो कॉन्सेप्ट है ये डीआई में भी यूज हो सकता है, मार्क माई वर्ड्स, हो सकता है अगले पेपर में एक डीआई आए और उसमें 5 मार्क्स जो हैं आपको इसी के मिल जाएं। ऐसे क्वेश्चन जो है डीआई में आ सकते हैं, मार्क माई वर्ड्स। Sam married 10 years ago at the age of 27. His wife was 23 years old then. 6 years after their marriage, the average age of Sam, his wife and their son was 22 years.
आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सैम्स मैरिज वॉज हिज सन बॉर्न. तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम्स में कई बार आ भी जाएगा इसको और कॉम्प्लिकेट कर देंगे, 5 साल बाद ये हुआ, 6 साल बाद ये एवरेज हो गई, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है. लेकिन फंडा समझाने के लिए आपको बेसिक क्वेश्चन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी था. यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये 10 साल पहले जब इसकी शादी हुई थी सैम और उसकी वाइफ की, ये देखिए जब इसकी शादी हुई थी तो सैम था 27 साल का, इसकी वाइफ थी 23 साल की, राइट. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. 6 साल बाद ये सैम है, ये सैम की वाइफ है, सैम्स वाइफ, राइट, और इसका सन है, ये अभी तो पैदा भी नहीं हुआ. तो 6 साल बाद आफ्टर 6 ईयर्स के बाद सैम हो गया 33 साल का, इसकी वाइफ कितने साल की होगी, 29 की, राइट. आगे देखिए, सैम होगी और इसका जो सन है उसकी एज हमें पता ही नहीं है, इसकी एज हमें नहीं पता, लेकिन इसका एवरेज हमें जरूर पता है. 6 ईयर्स आफ्टर द मैरिज द एवरेज एज ऑफ सैम, ये लाइन तो ध्यान से पढ़िए, द एवरेज एज ऑफ सैम हिज वाइफ एंड देयर सन, तीनों का टोटल एवरेज जो है ये हो जाता है जी 22 साल. मतलब इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है जी 22 साल. ये एक्चुअली क्वेश्चन मैंने लिया है टेलीग्राम का, हमने ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है, आप भी इसमें प्लीज आ जाइए, क्या कहते हैं t.me/bankexamstoday, बैंक एग्जाम्स टुडे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा. टेलीग्राम के ग्रुप में आप आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए अगर आपके पास एंड्रॉयड ऐप पे कोई भी फोन है, और आप क्वेश्चन भेज सकते हो और मैं वो क्वेश्चन उठा के यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व करूंगा. ये कल मुझे मिस्टर रोहित ने शायद आई थिंक मिस्टर रोहित जी ने ही मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला था. इससे थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन आपको पहला लेक्चर है, अगले लेक्चर्स में इससे भी बड़े क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का ग्रुप हमारा. 33 + 29, इसको बस सिंपली इसको इधर ले जाना है, तो ये 66 बन जाएगा प्लस एक्स बन जाएगा, राइट. तो 9 और 3 = 12 और 6 बन गया प्लस एक्स, एक्स का क्या वैल्यू आ गया जी 4. तो हमें यही तो निकालना था, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर, ये एक चीज का ध्यान रखिए, ये वैल्यू बन गई जी 4. तो इस टाइम पे 6 ईयर आफ्टर देयर मैरिज द एवरेज एज ऑफ सैम His wife and their son was 22 years. अभी जो ex है वो 4 आ गया है. 6 साल बाद, शादी के 6 साल बाद इनका जो बेटा है उसकी ये 4 साल है. समझ रहे हैं? 4 आंसर टिक करके मत आइए, आपका ex जो है 6 आ गया, खत्म हो गई. इन्होंने पूछा है after how many years of Sam's marriage his son was born. देखिए अभी ये 4 साल का है इसका बेटा, सैम का बेटा अभी 4 साल का है, लेकिन इनकी शादी को 6 साल हो चुके हैं, मतलब शादी के 2 साल बाद सैम का बेटा हो चुका था. तो आंसर इज 2. थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, 2 ईयर्स इज द आंसर, नॉट 4. 4 साल का तो अभी यहां पे है, ये अभी यहां पे ये 4 साल का है, 6 साल के बाद, शादी के 2 साल बाद ये पैदा हो गया था और इस टाइम ये 4 साल का है. थोड़ा सा माइंड को यूज कीजिए, राइट. तो यहां पे देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, ये 10 ईयर्स अगो ये कहां गया, ये 10 ईयर्स अगो क्यों लिखा गया था इस क्वेश्चन में, ये 10 ईयर्स अगो क्यों लिखा गया था, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया था. कहीं पे भी यूज हुआ है क्या 10 ईयर्स अगो? नहीं, कहीं पे यूज ही नहीं हुआ, ये मतलब कोई बात ही नहीं थी 10 ईयर्स अगो की, मतलब ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया था, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी. तो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मैं कहूंगा आप खुद सॉल्व करें एक बार, ऐसा सेम सा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, थोड़ा सा डिफरेंस था ये वाला क्वेश्चन जो था, क्या कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन था बिल्कुल ऐसे ही, 7 consecutive numbers, बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, एक स्क्वायर का फंडा आ गया है, इसको सॉल्व कीजिए, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस कोशिश कीजिए खुद सॉल्व करने की, नहीं होता है तो वीडियो दोबारा स्टार्ट कर लीजिए, पॉज करके रखिए, अगर कुछ नहीं आता तो कमेंट कर लीजिए, कोई बात नहीं मैं रिप्लाई कर दूंगा. तो चलिए, 7 consecutive numbers आपको पहले ही पता है, 7 consecutive number है, तो कैसे लिखना है, n n+2 + n+4 + n, कहां तक जाएगा ये, 12 तक चले जाएगा, n+6 + ये वैसे लिखने की जरूरत है नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं.
देखिए 7 नंबर हैं, चलिए ठीक है नंबर हैं, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, ये है फर्स्ट नंबर ये है लास्ट नंबर, इनका स्क्वायर एन का स्क्वायर प्लस एन प्लस 12 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज 712। पहले ये सॉल्व कीजिए, अभी यहां पे देखिए कैसे करेंगे, एन का स्क्वायर प्लस, अभी एलजेब्रा अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं लगाया तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ए स्क्वायर अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता तो आप कैसे करेंगे, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट्स माइंड कर जाते हैं कि सर हमें बेवकूफ़ समझते हैं क्या, बट नहीं स्टूडेंट्स मैं बेवकूफ़ नहीं समझता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी स्टार्ट किया, मैं उनको साथ में लेकर चल रहा हूँ, हो सकता है कि आप एडवांस लेवल पे हैं लेकिन ज़रूरी है बिगिनर्स के लिए कि उनको साथ लेकर चला जाए। तो एलजेब्रा का चैप्टर प्लीज़ देख लीजिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फॉर्मूला क्या होता है, वैसे आपने 8th 9th क्लास में करा होगा लेकिन नहीं करा तो पढ़ लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका बनता है 24n डिवाइडेड बाय 2, 2 को इधर ले जाएं तो ये आपका बन जाएगा 1424, राइट। तो चलिए 2n स्क्वायर, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, देखिए एक ही क्वेश्चन में ये कर तो रहे हैं हम एवरेज का क्वेश्चन, तो इसी क्वेश्चन में देखिए आपका अभी एलजेब्रा का एक फॉर्मूला भी यूज हो गया, अभी क्वाड्रेटिक चल रहा है, तो इसीलिए मैंने क्वाड्रेटिक और एलजेब्रा का एक एक चैप्टर जो एक पूरा सेशन से वो मैंने पहले करवाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट तो वही है ना 24n, अभी देखिए इसको इधर ले आइए तो आपका बन जाएगा 1280 माइनस 1280, तो 2 से सभी डिवाइड हो जाएंगे, एन स्क्वायर प्लस 12n माइनस 640 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए 640 के आपको बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, देखिए ध्यान से देखिए एक चीज़ को, 64 का आपको पता है कि 2 की पावर 6 जो है इट बिकम 64, 2 की पावर 6 इज बिकम 64, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 है आपने इतना तो याद करा होगा ना, 2 की पावर 6 इज 64, बाकी 10 बचा, एक 2 है और एक 5 है, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए, तो इतनी आसानी से आप फैक्टर्स जो हैं बना सकते हैं, थोड़ा सा अपना जो दिमाग है उसको खुला रखिए, यूज़ कीजिए, राइट। तो अभी फैक्टर्स आपके पास आ चुके हैं, तो 12 की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, अभी अगर मैं ध्यान से देखूँ 2 5 10 2 2 4 2 की वैल्यू 32 और 20 बनते हैं यहाँ पे, हाँ 32 और 20 अगर मैं बनाऊँ एन स्क्वायर, 32 और 20 बिल्कुल बनते हैं, 32 आएगा आपका प्लस का और माइनस 20 आ जाएगा, तो एन की वैल्यू बन जाएगी आपकी माइनस 32 और 20, तो माइनस को छोड़ देंगे, 20 जो है आपकी एन की वैल्यू आ चुकी है, जो पहला नंबर था वो हमारा एन था, अभी आप देखिए सेकंड लार्जेस्ट नंबर, इसका क्या मतलब है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर तो हमारा ये हुआ ना, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है, सेकंड लार्जेस्ट एन प्लस 10 हमने निकालना है, तो इट बिकम्स 20 प्लस 10 30, जो 30 हमारा आंसर है। गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एलजेब्रा जो मैंने पहले चैप्टर्स करवाए हैं अगर आपने नहीं करे तो प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और ये एलजेब्रा, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेस है, इवन टाइम एंड वर्क नंबर सीरीज एवरेजेस रेशियो प्रोपोर्शंस ये सभी क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशन या बाकी किसी भी चैप्टर का बेस है, जब तक आप ये नहीं करते हैं आप इवन स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, अगर आप ये 6 क्वेश्चंस में से अगर आप 6 में से अगर आपने 2-3 भी सॉल्व नहीं कर पाए, मोस्टली मैं कहूँगा ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन, ये कंजेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर्स वाले, 1-2 क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं, ये देखिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो एज प्रॉब्लम बेस्ड आ गया ना क्वेश्चन, नहीं इसमें एवरेज भी यूज हुआ है, ऐसे ही होता है, पेपर में 2 चैप्टर को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना डालते हैं, ऐसे नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस फंडा समझिए, कुछ ज़्यादा डीपली मत घुसिए, मतलब लॉजिक यूज़ कीजिए, अभी यहाँ पे देखिए करा तो हमने लॉजिक ही यूज़ है, यहाँ पे पूरा लॉजिक यूज़ हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेशन नहीं हो सकता, बस ये फंडा समझिए, अप्रॉक्सीमेशन वहीं यूज़ कीजिए डेटा इंटरप्रिटेशन में या अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन जो आते हैं उन्हीं में यूज़ कीजिए, टाइम एंड वर्क में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना मैं रिकमेंड ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, देखिए मतलब सीधा सीधा चल रहा है, अभी 2 साल की जगह आप 2.5 साल मतलब लिख ही नहीं सकते ना, अप्रॉक्सीमेशन यहाँ यूज़ नहीं करना है, एग्जैक्टली सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, तो
आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं। और आपसे एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, अभी आपसे बातें तो मैं करता ही हूँ, पढ़ाता भी हूँ, बात भी कर लेता हूँ कभी कभी, कि गाइज देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे एक्चुअली नेगेटिव कमेंट करे थे या मुझे मैसेज भी करे ऐसे कि सर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप तो सर मनी माइंडेड हैं। गाइज सी, दिस इज़ माई जॉब, दिस इज़ माई फुल टाइम जॉब, मेरी भी फुल टाइम जॉब है, मेरे साथ टीचर्स हैं उनकी फुल टाइम जॉब है, एंड दिस इज़ माई डिसीजन, मेरा डिसीजन है कि वेदर आई एम गोइंग, मैं सब कुछ फ्री में करूँगा या थोड़े से पैसे चार्ज करूँगा या ज़्यादा चार्ज करूँगा, ये मेरा डिसीजन है। आई मीन आई वॉन्ट यू टू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू पे, आप फ्री में वीडियो देखना चाहते हो, नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो, करो, कोई बात नहीं है, डू इट, बट प्लीज़ डोंट मेक यू नो नेगेटिव कॉमेंट्स। मुझे सीरियसली अच्छा फील नहीं होता है। ये जो अभी मेगा प्रिपरेशन सीरीज मैं अभी यहाँ पे यूट्यूब पे कर रहा हूँ, यस आराम से कर रहा हूँ, सभी कर रहा हूँ, मैं चाहता, मेरी साइट है जो bankexamstudy.com, वी गेट अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। मैं कर सकता था कि मैं यूट्यूब पे एक भी वीडियो अपलोड जो ना करूँ। आई नो बहुत सारे चैनल्स हैं अलग अलग तरीके के, बहुत बड़े बड़े चैनल्स भी अवेलेबल हैं, आई मीन उनका अपना तरीका है, वो अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इट इज़ योर चॉइस, आपको किसका तरीका समझ में आता है, आप किसे फॉलो करना चाहते हैं। आपको कुछ भी डाउट है, देखिए आपको कुछ भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे मेल कीजिए, मुझे फ़ोन कीजिए, मैं अपना ये टेलीग्राम का ग्रुप देखिए, यहाँ पे मैंने अपना सीधा नंबर भी डाला हुआ है, सब कुछ है। इट इज़ सी गाइस, मैं कोई बहुत बड़ा ऐसे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट या ऐसा कुछ नहीं हूँ, आई एम अ नॉर्मल पर्सन लाइक यू, मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ जिसे मैथ्स बहुत पसंद है, जिसे लॉजिक लगाने बहुत पसंद है। आई एम नॉट अ जीनियस, पहली बात, मैं आप में से ही हूँ जिसे मैथ्स पसंद था, जिसे लॉजिक लगाने पसंद थे, जिसने बैंक की नौकरी शायद करनी पसंद नहीं थी, मुझे मैथ्स करना पसंद था। तो ज़रूरी तो नहीं है ना, अगर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, तो आपने इंजीनियरिंग कर ली तो बाद में इंजीनियर ही बनना है। मैंने MBA करा, घर वालों ने फोर्स किया बैंक में जाओ बैंक में जाओ, नहीं दिल लगा यार, तो दिस इज़ माई जॉब एंड प्लीज़ रिस्पेक्टेड। आप बैंक में जाके ये तो नहीं कहेंगे ना कि हम फ्री में जॉब करेंगे, यू विल टेक मनी फॉर दैट ना, आप कभी भी अप्लाई करते हैं यू सी दैट कि कहाँ कितने पैसे मिल रहे हैं। हम इतना मनी माइंडेड तो नहीं है, मैं इतना मनी माइंडेड नहीं हूँ, आपने अगर मेरे पिछले लेक्चर्स देखे, मैं ज़्यादा इतना नहीं फोर्स करता किसी को। इट इज़ ऑल योर विश, बट प्लीज़ डोंट मेक नेगेटिव कॉमेंट्स, इट हर्ट्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेल स्टूडेंट्स में ज़्यादातर स्टूडेंट्स की अभी मेल रिप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है, तो t.me/bankexamstoday ये ग्रुप है हमारा, ये एक्चुअली चैनल है, चैनल में आप आएंगे तो ग्रुप का लिंक मैं आपको यहीं पर दे दूंगा। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम का हमारा एक ग्रुप हमने रिसेंटली बनाया है, इसको ज्वाइन करें। तो फेसबुक का भी ग्रुप मैं अभी एक दो दिन में बनाऊँगा, वैसे फेसबुक का हमारा पेज है, अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो facebook.com/bankexamstoday। तो सब जगह बैंक एग्जाम्स टुडे, राइट, इवन गूगल प्ले पे जाके आप GK डाइजेस्ट जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। I mean haters are gonna hate, they are gonna dislike my video, that's okay, but please like my video and thank you and have a nice day। अगला चैप्टर एवरेज पे ही, अभी एलिगेशन पे करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर एलिगेशन पे करेंगे, थोड़ा सा पढ़ के आए, राइट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।